बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं टी टाइम स्नैक्स के लिए ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स क्रिएट कर रही हूँ अपनी वीडियो में। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। शाम की चाय के साथ कुछ खाने का दिल कर रहा हो, या आपके घर में अगर मेहमान आए हों तो उनको लाजमी ये बनाकर सर्व कीजिएगा। वो देख के बहुत खुश होंगे, बल्कि हैरान हो जाएंगे ये आपने कैसे बनाए हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत और क्रिस्पी हमारे आज के फ्लावर्स बने हैं। इसकी हर लेयर बिल्कुल सेपरेट नज़र आ रही है और ये खाने में भी बहुत मज़े के हैं। तो अगर कुछ अलग और सेपरेट या कुछ डिफरेंट बनाने का दिल कर रहा हो तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने एक खूबसूरत सा बाउल ले लिया। इसमें मैं तकरीबन 1.5 कप के करीब जो है वो मैदे का डालूंगी। आप घर के किसी भी कप से मेजरमेंट करके इसमें मैदा ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 1.5 कप के करीब ही इसमें हम मैदे का ऐड करेंगे। और इसमें 2 टेबलस्पून भर के मैं कुकिंग ऑयल के ऐड करूंगी। आप कोई सा भी ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें रेड चिली फ्लेक्स का डालूंगी। 1/2 टीस्पून मैं इसमें नमक का ऐड करूंगी। 2 चुटकी मैं इसमें अजवाइन के डालूंगी। आपको अगर अजवाइन का टेस्ट नहीं अच्छा लगता तो आप इसकी जगह ज़ीरा या कलौंजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 अंडा मैं इसमें डालूंगी। इससे जो स्नैक्स बनते हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। इसके बाद हमने सारी चीज़ों को एक अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि इसमें मैंने कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल किया है और अंडा भी है। तो पहले हम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे कि हमने मज़ीद इसमें कितना पानी ऐड करना है, और इसको एक सॉफ्ट सी डो में हमने इसको तैयार कर लेना है। तो जब सारी चीज़ें आपस में इकट्ठी होना शुरू हो जाएं तो हमने इसमें मुक्की देनी है और इसको गूंदना है। जैसे कि हम नॉर्मल रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, इसी तरह से हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है इसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, और इसको हमने अच्छी तरह गूंदना है। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ और इसकी अच्छा सा एक पेड़ा बन जाए तो हमने इसको स्टे देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा आप पानी डाल लें इसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। तो आटे को हमने अच्छे से गूंद लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा ऊपर कुकिंग ऑयल लगा के इसको 15 मिनट के लिए स्टे दे देंगे और इसको कवर कर देंगे अच्छे से। इसके ऊपर कोई प्लेट रख दें या आप इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में रख के भी इसको स्टे दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 15 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम अपना पेड़े को बाहर निकाल लेंगे और अच्छे से इनको, जैसे हम रोटी बनाने के लिए पेड़ा करते हैं वैसे इसका पेड़ा कर लेंगे, और इसको 2 हिस्सों में हम इसकी कटिंग कर लेंगे, यानी इसके 2 पेड़े बना लेंगे। किसी भी छुरी की मदद से हम इसको दरमियान से इस तरह कट लगा लेंगे और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। आपने अगर इसको 2 हिस्सों में नहीं काटना तो आप इसकी एक ही पेड़े से बड़ी सी रोटी तैयार कर सकते हैं, यानी एक ही पेड़े को बड़ा अच्छी तरह बेल के उसको बड़ा सा कर लें। लेकिन मैंने इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, मुझे ऐसे ज़्यादा इजी लग रहा था। नीचे मैंने खुशका डाल लिया। अब हम इसको हल्के हाथों से या बेलने की मदद से इसको बेलेंगे और इसकी एक रोटी तैयार कर लेंगे, जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाने के लिए इसको बेलते हैं। इसी तरह हल्के हल्के हाथों से आप रोटी को बड़ा करते रहें और इसकी थिकनेस देखें। आपने इसकी थिकनेस बिल्कुल पतली रखनी है, मोटी रोटी नहीं रखनी। इससे आपके स्नैक्स बहुत क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने इसकी थिकनेस कितनी रखी है और इसका हमने एक बड़ा सा इसकी बड़ी सी रोटी तैयार कर ली है। अब हम इसको इस तरह से रख के इसकी कटिंग करेंगे। अब हमने क्या करना है, एक छुरी की मदद से जो इसकी साइड्स हैं उसको रिमूव कर देना है, और दरमियान से एक स्क्वायर पीस मैं इसका निकाल लूँगी। किनारे आपने इसके रिमूव कर देने और उनको ज़ाया नहीं करना। उसका आप दोबारा से पेड़ा करके और दोबारा से इस तरह बेल के बना सकते हैं। चारों किनारों को हम अच्छे से निकाल देंगे, इसकी कटिंग कर देंगे और इसको एक लैदा इसका पेड़ा बना लेंगे। इसी तरह हमने दरमियान से स्क्वायर पीस निकाल लेना है और इसको हमने 1-1 इंच के फासले पर इसकी जो है वो पट्टियाँ काट लेनी है। फासला आपने सबका बराबर ही रखना है ताकि जो है वो सारी हमारी जो फूल हैं वो इक्वल बने। तो यहाँ पर जो सारी पट्टियाँ हमने इसको इक्वल साइज़ में इनको काट लिया है।
और इसके बनाएंगे हम खूबसूरत से फ्लावर्स। तो यहाँ पर एक पट्टी मैंने उठा ली, अब इसको हाथों की मदद से थोड़ा लंबा खींचेंगे ताकि ये मज़ीद लंबी हो जाए, और इसको एक फोक की मदद से इस पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। सारी पट्टी पर हमने जो सेपरेट निकाली थी इस पर इस तरह से निशान लगाएंगे। कांटे को प्रेस सिर्फ हमने पट्टी के एक साइड से करना है। इस तरह से इसके मोटिव तैयार कर लेंगे और इसको थोड़े थोड़े फासले पर इस तरह से हमने प्रेस करते रहना। इसका बहुत सी खूबसूरत ये डिज़ाइन बनता जाएगा। एक एक इंच के फासले पर हमने इस डो को प्रेस, आप देख सकते हैं हमने एक कांटे की मदद से जो डो है उस पर हम प्रेस किए जा रहे हैं। इस तरह से मोटिव क्रिएट कर रहे हैं और खूबसूरत सी इसकी डिज़ाइनिंग बना रहे हैं। और एक एक इंच के फासले पर जो डो को हम अपनी चुटकी की मदद से इसको प्रेस कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन रहा है। फासला हमने बिल्कुल सेम रखना है ताकि जो पत्तियाँ हैं हमारी बहुत ही खूबसूरत बने और जो हम फ्लावर बनाने लगे हैं वो भी बहुत अच्छा बने। इस तरह से आपने इसको रोल कर देना है हल्के हाथों से, बिल्कुल नरम हाथों से आपने इसको इस तरह से रोल करना है। और यहाँ पर आपने हल्का सा इस पे इसको इस तरह से बाहर इसकी पेटल्स हैं वो निकाल लिए ताकि ये बिल्कुल खूबसूरत फ्लावर लगे। आप देख सकते हैं दोबारा से मैंने एक पट्टी ले ली है, उसको भी इसी तरह हम कांटे की मदद से उस पे मोटिव क्रिएट करेंगे और उस पे भी हम चुटकी की मदद से डो को इस तरह प्रेस करेंगे ताकि ये खूबसूरत डिज़ाइन बन जाए। अब उसको भी हमने हल्का हाथों से रोल कर लिया और उसको इसी तरह उसी जो पहला फ्लावर बनाया था उसी के इर्द गिर्द हम इस तरह से हम इसको रोल करेंगे बिल्कुल हल्के हाथों की मदद से। आपने इस तरह से इसका खूबसूरत सा फ्लावर क्रिएट कर लेना है। अब जो उसकी साइड बच गई है, जो उसका लास्ट कॉर्नर, वहाँ पे हल्का सा पानी लगाकर हमने इसको साथ इस तरह जोड़ देना है। और जो पाइप की तरफ पत्तियाँ हैं उसको हमने इस तरह से मोड़ लेना है और एक खूबसूरत फ्लावर की शेप दे। तो अब हम एक पैन में एक ऑयल डाल लेंगे और उसको काफ़ी गर्म कर लेंगे। इसके बाद हम आती है इसको फ्राई करने की बारी, तो तमाम जो फ्लावर्स हैं हम इसमें डाल लेंगे। फ्लावर्स डालने के बाद जो आंच है हमने बिल्कुल स्लो कर देनी है और इसको हल्की आंच पर इसको पकाना है ताकि जो अंदर से हैं ये कच्चे ना रहें और बिल्कुल क्रिस्पी बन जाएं। अगर यहाँ पर हम इसका फ्लेम हाई रखेंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्ची रहेंगी, इसलिए हमने इसको लो फ्लेम पर पकाना है ताकि इसकी जो हर लेयर है वो बिल्कुल अलग अलग हो जाए और बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पर जो ऑयल है हमने इसके ऊपर इस तरह से डालना है ताकि इसके ऊपर भी जो ऑयल लग जाए और ऊपर से ये बिल्कुल क्रिस्पी बन जाए। अब इसकी साइड्स को हमने चेंज करना है। सारी जो फ्लावर्स हमने इसमें डाले हैं इसकी साइड्स को हम चेंज करेंगे और इसको दूसरी साइड से भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी कच्चे ना रहें और बहुत ही क्रिस्पी जो फ्लावर हमने आज क्रिएट किए हैं। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी आज हमने ट्राई की है, घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपके घर वालों को बहुत ही मज़े के लगेंगे। शाम को टी टाइम स्नैक्स के तौर पर चाय के साथ आप खा सकते हैं। तो जो फ्लावर्स है इसके ऊपर अच्छा सा खूबसूरत कलर आ गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे। सारे फ्लावर्स को हम अच्छे से निकाल लेंगे और इसको एक प्लेट में डाल लेंगे। तो तकरीबन हमने इसको 15 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाया है, आपने भी इतनी ही देर इसको फ्राई करना है। तो बहुत ही मज़ेदार हमारे स्नैक्स तैयार हो गए हैं। आप इसको गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करें या केचप के साथ सर्व करें, देखें बहुत ही डिफरेंट और अलग रेसिपी हमने आज तैयार की। आप जब इसे बनाएंगे और खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।